good morning children today in this video i will explain you recap portion of direct and indirect speech so now what is direct speech students direct speech is the repetition of exactly the same words of the speaker suppose i am saying Ki students submit your copies tomorrow okay you are saying टू योर पेरेंट्स और टू योर फ्रेंड दोज हुर एबसेंट मैम ने कहा है सबमिट योर कॉपीज टूमोरो वेन यू आर रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर वी कॉल इट अ डायरेक्ट स्पीच एंड इन डायरेक्ट स्पीच सपोज यू आर सेग टू योर फ्रेंड और पेरेंट्स मैम ने कहा है कि कापी कल सबमिट कर देनी है स्टूडेंट्स ये हुआ आपका एग्जाम्पल इनडायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द सब्सटेंस ऑफ द स्पीकर वर्ड्स बट नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाई हिम और हर ओके एग्जाम्पल ऑलरेडी इट्स गिवन इन योर बुक अदर एग्जाम्पल ही सेट टू मी आई एम नॉट वेल टूडे स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल आई एम नॉट वेल टू इज द एग्जैक्ट वर्ड सेट बाई द स्पीकर वो देखिए आप ओपन एंड क्लोज इन वर्डेड कॉमर्स में है एंड द सेम वर्ड्स इन डायरेक्ट स्पीच में आप देखिए ही टोल्ड मी डैट ही वॉज नॉट वेल डैट डे सो दिस वॉज योर डायरेक्ट स्पीच एंड इन डायरेक्ट स्पीच दोनों में मेरा में मीनिंग सेम रहता है बट जब हम सीधे सीधे जो किसी ने कहा है उसी के शब्दों में जब हम किसी कोई बात या इंसिडेंस बताते हैं तो उसे डायरेक्ट कहते हैं और सेम चीज को अपने शब्दों में जब हम बताते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं क्लियर स्टूडेंट्स इन योर नोट्स दैट इज़ नॉट इन योर दिस थिंग्स आर नॉट इन योर बुक ऑल्सो डिफरेंस इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ओके सो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू प्रेजेंट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीच ध्यान से सुनिएगा ये मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है आपको ओके okay. क्या है यहाँ पे यू कैन सी द डिफरेंस इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पहला देखिए बेटा क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में हम किस में लिखते हैं इनवर्टेड कॉमज आर यूज टू प्रेजेंट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीच दिस इज़ कॉल्ड और इसको हम क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जैसे आपने पहला एग्जाम्पल देखा था ही सेट टू मी आई एम नॉट वेल टूडे ये एग्जाम्पल था आपके बुक में और मैंने भी लिखवाया इसे तो ये अब आप समझेंगे रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं जो ओपन एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है सेंटेंस उसे ही हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच अब रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं स्टूडेंट सेकेंड है ये देखिए यहाँ पे सेड ओके सेड वर्ड जो है रिपोर्टिंग स्पीच के पहले इंट्रोड्यूस जिस वर्ब से हम करते हैं उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब डैट इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट स्पीच इट इज़ फॉलोड बाई अ कॉमा यू कैन सी इन डायरेक्ट स्पीच स्टूडेंट्स बुक में जो एग्ज़ाम्पल था आप देख सकते हैं ही सेड टू मी सेट क्या था आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया है यू कैन राइट दिस विथ पेंसिल इन योर बुक ऑल्सो एंड आई एम नॉट वेल टूडे दिस इज योर रिपोर्टिंग स्पीच ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स स्टूडेंट यू कैन सी अब आप देखिए इन डायरेक्ट स्पीच में इन इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीच इज नॉट इन क्लोज इन इनवर्टेड कॉमास क्लियर इनडायरेक्ट स्पीच में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ही टोल्ड मी डैट ही वॉज नॉट वेल डैट डे मीनिंग इज सेम बट यहाँ आप देख सकते हैं ये सिंपली हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कोई इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ नहीं हुआ है सेकेंड थिंग द कॉमा आफ्टर सेड इज रिप्लेसड बाई द कंजंक्शन डैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये आप देखिए ये बुक में भी आपकी नहीं है ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप और द कॉमा जो है वो हम किससे रिसेड नहीं है वहाँ पे वहाँ पे क्या है उसके बदले में हम क्या लिखे हैं डैट कंजंक्शन इज़ यूज नेक्स्ट द टेंस चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर और ये जो टेंस होता है वो चेंज होता है कैसे रिपोर्टेड वर्ब और स्पीच के अकॉर्डिंग देयर आर थ्री काइंड ऑफ बेसिक चेंजेस वेन डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इन टू इन डायरेक्ट स्पीच जब हम डायरेक्ट से इन डायरेक्ट चेंज करते हैं सेंटेंसेस को तो क्या बेसिक चेंजेस होते हैं पहला तो आपका एक टेंस चेंज हो जाता है ओके प्रेजेंट पास जो भी है ये नोट्स में है आपके बताएंगे आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो थॉर्डली फर्स्ट इज़ योर चेंज ऑफ टेंस सेकेंड इज़ योर पर्सनल प्रोनाउन थर्ड इज़ योर चेंज ऑफ नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस सो स्टूडेंट्स नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस क्लियर जैसे uh, आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं टुडे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स टुडे बन गया आपका डैट डे नाउ देन दिस डैट ओके नाउ लुक एट योर नोट स्टूडेंट्स रूल्स फॉर चेंजिंग द टेंस सो फर्स्ट रूल स्टूडेंट्स इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन present और फ्यूचर टेंस the टेंस ऑफ वर्ब इन the indirect स्पीच रिमेंस unchanged रिपोर्टिंग वर्ब मीनिंग यू नो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे भी सेट था आपका इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस प्रेजेंट मतलब सेड नहीं होगा से हो जाएगा क्लियर द टेंस ऑफ वर्ब इन द इन स्पीच रिमेंस अनचेंज दिस इज़ योर फर्स्ट रूल Second, if the reporting verb of the direct speech is in the past tense, the tense of the verb of speaker's actual words in the indirect speech is changed according to the below mentioned. रूल्स अब आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर सिंपली प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम जब इनडायरेक्ट करते हैं तो टेंस नहीं चेंज होता है लेकिन अगर पास्ट में है जैसे एग्जाम्पल में आपने सेड देखा था अगर पास्ट में है तो जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तब हम क्या करेंगे पहला देखिए बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस इन सिंपल पास्ट टेंस क्लियर ये कब बदल रहा है डोंट गेट कंफ्यूज ये देखिए इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है ओके जैसे सेड था आपने देखा था अभी पास टेंस में है तब हम क्या करेंगे द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ एक्चुअल वर्ड्स जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है ठीक है जो ओपन और क्लोज इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है द टेंस ऑफ द वर्ब जो टेंस में लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच एक्चुअल वर्ड्स इन द इनडायरेक्ट स्पीच इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द बिलो मैंशन रूल्स जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसे क्या कर देंगे इनडायरेक्ट करते समय सिंपल पास्ट टेंस ओके सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसे हम कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस में प्रजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसे हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस इज़ चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस इज़ चेंजेज इन टू अगर ऑलरेडी पास्ट टेंस में है सेंटेंस आपका रिपोर्टिंग स्पीच तो हम उसे चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में एंड पास्ट कंटीन्यूस टेंस में अगर है तो उसे हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट टेंथ में सो इन टूडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स ओनली दिस मच इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए रिमेनिंग पोर्शन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इन द क्लास ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू सो डोंट मिस योर ऑनलाइन क्लास ओके थैंक यू स्टूडेंट्स हैवे अ नाइस डे